अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे किचन में। और आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ढाबा स्टाइल चिकन भुना मसाला। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें जाएंगी। तो देखिए, ये तीन मीडियम साइज के टमाटर थे मेरे पास, जिसे मैंने इस तरह से प्योरे बना लिया है। और ये तीन मीडियम साइज के प्याज थे, जिसे इस तरह से मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो हाथ से करें, मैंने चॉपर में किया है। और ये एक टीस्पून हल्दी है, जिसमें से आधी मैं डालूंगी मैरिनेशन में और आधी ग्रेवी में यूज करेंगे। एक टीस्पून जीरा है, एक टीस्पून ये धनिया है मैंने सूखा, इसे मैंने इस तरह से कूट लिया है दो भागों में। और ये काली मिर्चें हैं 15 से 20 दाने, और 4 से 5 लौंग है, और 4 से 5 छोटी इलायची है। और एक टीस्पून भर करके कसूरी मेथी है, और 1.5 टीस्पून के लगभग पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च, और ये खड़ा धनिया है सूखा, और ये 3 सूखी मिर्चें हैं, नमक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये ऑयल है। ये 1 केजी चिकन है मेरे पास, मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से धो लिया है और इसे एक बाउल में ले लिया है। और इसे हम मैरिनेट कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें से 1/2 मिर्च डाल देंगे हम इसमें, हल्दी 1/2 डाल देंगे इसमें, नमक डाल देंगे, और इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसे हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और जो मैंने आपको खड़े मसाले दिखाए थे, वो चलिए हम उसे भून लेते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन भुना मसाला। देखिए, कुकटॉप पे मैंने एक पैन रख दिया है, और हमारे जो खड़े मसाले हैं उन्हें भून लेंगे। काली मिर्च डाल देंगे, लौंग और इलायची डाल देंगे, ये साबुत धनिया डाल देंगे, और ये मिर्चें डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, और इन सारी चीजों को हम खुशबू आने तक भून लेंगे। बहुत ज्यादा हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे उतनी ही देर हमें इन्हें भूनना है। और भूनने के बाद हम इसका एक पाउडर बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा ये भुना मसाला, चिकन भुना मसाला बहुत टेस्टी बनता है। इसे हम भून लेंगे। देखिए इस तरह से इसे भूनेंगे हम। ये भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है, और फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, और इसे एक किसी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, और ठंडा करके इसका एक हम फाइन पाउडर बना लेंगे। कसूरी मेथी को भी मैंने इस तरह से भून लिया है। देखिए, मैंने कुकटॉप पे ये पैन रख दिया है, कढ़ाई रख दी है, और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, और जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है वो हम इसमें फ्राई करेंगे। तरह से डाल देंगे, इसे फुल फ्लेम पे हमें रखना है, फ्राई कर लेना है। इसी तरह से भून लेंगे हम। इस तरह से मैरिनेट करके इसे फ्राई कर लेने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए, इस तरह से पीसेस को पलट पलट कर हम फुल फ्लेम पे इसे बनाएंगे। देखिए, चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, मैंने चिकन निकाल लिया है, सारे पीसेस मैंने निकाल लिए हैं, और इसमें ये थोड़ा सा ऑयल बच गया है, इसी में हम और ऑयल डालेंगे और नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये कुछ खड़े मसाले, जिसमें कि 2 लौंग थी, और 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, और 10 से 12 काली मिर्च के दाने, और ये 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे।
और इसी के साथ डालेंगे ये चॉपती हुई प्याज। भून लेंगे इसे। प्याज को हमें बस हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही भूनना है। इसका बहुत ज्यादा हमें डार्क कलर नहीं चाहिए प्याज का। बस ये हल्की हल्की जैसे ही गोल्डन ब्राउन होने लगेगी हम बाकी के मसाले डालेंगे। प्याज को हम भूनेंगे इसी तरह। बहुत ही टेस्टी भुना मसाला बनकर के ये तैयार होगा चिकन का। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाया करें और कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो देखिए, हमारी प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब हम इस पॉइंट पे एक सूखा हुआ जो धनिया मैंने कूटा था ये डाल देंगे। थोड़ा सा ये भी भुन जाएगा साथ में। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप डालना चाहें तो डालें और स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें अगर आपको ना पसंद हो तो। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर करके अदरक लहसुन का पेस्ट। भून लेंगे इसे। अदरक लहसुन को थोड़ा सा भून लेंगे हम और अब डाल देंगे टमाटर का पेस्ट जो मैंने बनाया था और इसे डाल करके हम खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। और टमाटर डालने के बाद हम डालेंगे इसमें नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और इसे भूनेंगे। खूब अच्छी तरह से हम टमाटर को भून लेंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए और ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। तो देखिए, ऑयल सरफेस पे आ गया है। टमाटर हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं और अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और ये मिर्च। इन्हें भी डालकर हम भून लेंगे बहुत अच्छी तरह से। और अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। और ये जो मसाला मैंने तैयार किया था भुना था और उसे पीस लिया है ये डाल देंगे। ये मसाले भुने हुए हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है व्यूवर्स। ढाबा स्टाइल बना रही हूं मैं आप लोगों के लिए चिकन भुना मसाला। और अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है और अब इस पे हम लिड लगा देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो भी चिकन में हमारे कसर रह गई हो वो गल जाए। अच्छी तरह से मैंने भून लिया है और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे बिल्कुल कि चिकन हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। मिक्स कर देंगे। बहुत ज्यादा इसमें पानी नहीं जाएगा, इसकी बिल्कुल थिक बनता है ये। और अभी जो ये पानी मैंने डाला है ये भी जल जाएगा। इसे बस चिकन को गलाने के लिए मैंने डाला है ये पानी कि चिकन हमारा अच्छी तरह से बिल्कुल कुक हो जाए, अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। अब मैं इस पर लिड लगा दूंगी और इसे छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन मसाला बनकर के तैयार हो चुका है, टेंडर हो गया है ये। और अब हम इसमें ये हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे, एक लाल मिर्च भी है इसमें। मिक्स कर देंगे। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी मैं। हमारा चिकन बनकर के तैयार हो चुका है।
तो आइए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, बनकर के तैयार है हमारा चिकन भुना मसाला। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बना है ये। आप अपने घर में इसे इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली को खिलाइएगा और खुश कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।